हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपको लड्डू गोपाल की एक ड्रेस बताने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ऐसे एक नॉट बना लेंगे, उसके बाद 15 चेन ले लेंगे। क्योंकि मैं 2 से 3 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस बना रही हूँ, इसलिए 15 चेन से बनाएंगे तो अच्छी फिटिंग आएगी, 2 और 3 नंबर दोनों ही लड्डू गोपाल के लिए। देखिए, 15 चेन के बाद 3 एक्स्ट्रा ले लेते हैं डबल क्रोशिया के बराबर की। तो ये देखिए, ये 3 जो हैं वो छोड़ने के बाद यहाँ से डबल क्रोशिया लेंगे। तो पूरी 15 चेन में ऐसे ही डबल क्रोशिया ले लेनी है हमें। ये हम उनकी चोली बना रहे हैं पहले, तो पूरे चेन की डबल क्रोशिया लेनी है हमें 15 के 15। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी 15 डबल क्रोशिया। देखिए जो मैंने हर एक चेन में से निकाल के बनाई है। उसके बाद फिर से 3 चेन बनाएंगे और हर चेन से 2 बार डबल क्रोशिया निकालेंगे, हर चेन से 2 बार डबल क्रोशिया लेनी है। तो इस तरह से हमारे पास 30 डबल क्रोशिया हो जाएंगी, 15 का डबल 30 हो जाएंगी। देखिए, मैं ये पहले पूरा बना लेती हूँ, फिर आगे का बताती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मेरे पास 30 डबल क्रोशिया हो गई हैं। ये देखिए, 30 डबल क्रोशिया मैंने ले ली हैं। अब आगे के लिए ये 3 चेन फिर से लेके 5 डबल क्रोशिया बना लेनी है। साइड में 3 चेन हर बार लेनी है, तो उसके बाद 5 डबल क्रोशिया और बना लेनी है। देखिए, 4 हो गई हैं और ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 5 डबल क्रोशिया हमें छोड़ के 6 वाले चैन में फिर से डबल क्रोशिया बनानी है, तो आर्म होल बन जाएगा। उसके बाद 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, 5 आगे के लिए हो जाएंगे, उसके बाद 5 हम आर्म होल के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद बैक के लिए 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे 10 चेन में। तो हमारा बैक तैयार हो जाएगा चोली का। ये देखिए, दस डबल क्रोशिया बनाने के बाद 5 हम फिर छोड़ेंगे और 6 चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे दूसरे आर्म होल के लिए, और उसके बाद 5 डबल क्रोशिया आगे के लिए। देखिए, हमारी जो ऊन है वो बहुत ज़्यादा मोटी या पतली नहीं है, तो मैंने 10 नंबर क्रोशिया पे इसको बनाया है। ये देखिए, हमारी चोली तैयार हो गई है। कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान है। अब देखिए, फिर से 3 चैन लेंगे और हर चैन में से एक एक डबल क्रोशिया निकालते जाना है। देखिए, इस तरह से जब हम चोली बनाते हैं तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है लड्डू गोपाल के लिए, और बहुत ही आसान तरीका है। कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है आपको, बस अपने फंदों का हिसाब रखिए और कुछ भी नहीं। ये देखिए, हर चेन में से एक बार निकालने के बाद इसको सिंगल स्टिच से बंद कर देंगे। देखिए, सिंगल स्टिच बंद करने के बाद देखिए चोली एकदम तैयार है। उसके बाद घेरे के लिए
हर चेन में से दो बार डबल क्रोशे निकालेंगे। इस तरह से हमारे घेरे के लिए फंदे बढ़ जाएंगे। देखिए, हर चेन से दो बार डबल क्रोशे निकाल के घेरे के लिए फंदे बढ़ा लेने हैं। उसके बाद आगे की डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये देखिए पूरा हो गया है। अब यहाँ से दूसरा रंग लगा के डिज़ाइन बनाते हैं घेरे की। ये देखिए दूसरा रंग लगा लिया है मैंने। आप चाहें तो ये धागा दबा दीजिए साथ में ही, या फिर बाद में काट दीजिए। मैं बाद में काट दूँगी। फिर देखिए ये दो चैन ले ली हमने। उसके बाद डबल क्रोशिया के बीच से फंदा बनाना है। ये देखिए ऐसे डबल क्रोशिया बना लेना है, और उसके पास वाला जो होल रहता है ना, उसमें से दूसरा डबल क्रोशिया बनाना है हमें। देखिए उसके बाद दूसरी ऊन से वही प्रोसेस, डबल क्रोशिया के बीच से फंदा लेना है और डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसके पास वाले होल में डबल क्रोशिया बनाना है एक। देखिए फिर वाइट से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, उसके बाद उसके पास वाले होल से दूसरा डबल क्रोशिया। फिर दूसरा रंग लेना है। फिर देखिए इसके बीच से ऐसे निकाल के डबल क्रोशिया लेना है। उसके बाद और कुछ नहीं करना है, बस आपको ऐसे ही रिपीट करते जाना है। एक बार डबल क्रोशिया से बीच से फंदा निकालना है, एक बार उसके पास के होल से निकालना है। ऐसे ही पूरा एक राउंड कंप्लीट करना है। साथ में जो धागा चलता है उसकी उनको खींचते हुए चलेंगे तो हमारे डिज़ाइन के बीच में गैपिंग नहीं आएगी। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि जो दूसरी ऊन साथ में चल रही है उसका धागा आपको खींचते हुए चलना है, ताकि डिज़ाइन ढीला ना हो और थोड़ा अलग ना लगे। ऐसे देखिए पूरा राउंड आपको इसी तरह से कंप्लीट करना है दोनों रंग से। देखिए मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स एक लाइन कंप्लीट हो गई है, दूसरी शुरू करते हैं। ये देखिए इसमें भी वही करना है, डबल क्रोशिया के बीच से हमें फंदा निकालना है, डबल क्रोशिया लेना है, उसके बाद उसके पास वाले होल से एक बार और फिर एक बार उसके पास वाले होल से लेना है, यानी कि दो बार फिर डबल क्रोशिया लेना है। पहले हमने एक बार लिया था, अब हमें दो बार लेना है। ये देखिए उसके बाद फिर हमें वही करना है दूसरे कलर से। जो डबल क्रोशिया जहाँ से हम हर बार फंदा उठाते हैं, बस उसी के ऊपर हमें हर लाइन में फंदा उठाना है, तो हमारा उभार के साथ बनता चलता है डिज़ाइन, तो अच्छा लगता है। ये देखिए उभार जो उठा हुआ फंदा है उसके बीच से ही हर बार निकालना है। उसके बाद पहले हम एक डबल क्रोशिया ले रहे थे, अब हमें दो डबल क्रोशिया लेनी है। ये देखिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस फंदे को हमने बीच से निकाला है उसी ही फंदे के ऊपर हमें हर बार बीच से निकालना है, और पास वाले होल में हर बार एक फंदा बढ़ता जाएगा। एक बार निकाला था पहले, उसके बाद हमें दो बार लेना है, अगले राउंड में तीन बार लेना है, उसके अगले राउंड में चार बार लेना है। ऐसे ही जितना भी बड़ा आपको घेरा बनाना है आप उतने फंदे बढ़ाते जाएंगे, और कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। ये देखिए एक बार और दो बार लेना है बस हमें। ये देखिए दो बार, तो ऐसे हमारे घेरे की जो चौड़ाई है बढ़ती भी जाएगी और हमारी डिज़ाइन जो है वो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये देखिए फिर से उसी फंदे के बीच से उठाना है फंदा और डबल क्रोशिया बना लेना है।
उसके बाद पास वाले होल में दो बार डबल क्रोशिया लेना है। साथ वाला धागा खींचते हुए चलेंगे ताकि वो ढीला ना हो। देखिए एक बार लिया, एक बार और लेना है। पूरा घेरा हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। कुछ भी नहीं करना, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और बहुत सुंदर ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड, राउंड पूरा हो गया है हमारा। सेकंड राउंड, उसके बाद थर्ड राउंड भी हमें इसी तरह से बनाना है। फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि घेरा थोड़ा टाइट हो रहा है तो आपको बीच में जब ये फंदा बनाना है ना, तो एक क्रोशिया लेते जाएंगे, मतलब जब हम कलर चेंज करेंगे तो एक सिंगल चेन बना लेनी है। अगर आपका घेरा सही बन रहा है तो आपको सिंगल चैन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि घेरा ठीक नहीं बन रहा है या टाइट हो रहा है या उसमें झोल आ रहा है, तो जब आप कलर चेंज करेंगे तो आप एक सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। ये देखिए हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड राउंड भी हमें उसी तरह से बनाना है। ये देखिए वही प्रोसेस है, कुछ नहीं करना। जो फंदा हर बार बीच में से उठा रहे हैं उसी में से बीच से डबल क्रोशिया लेनी है। अब थर्ड राउंड में हमें उस फंदे के पास से तीन बार डबल क्रोशिया लेनी है। पहले वाले राउंड में हमने एक बार लिया था, दूसरे राउंड में दो बार लिया था, और ये थर्ड राउंड है इसमें हम तीन बार लेंगे। उसके बाद पूरा घेरा ऐसे ही कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ से तीन डबल क्रोशिया करने के बाद दूसरा कलर लगाएंगे। देखिए एक चेन लेके हमें वही प्रोसेस फिर से करना है और पूरा घेरा ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। मैंने इसमें बहुत बड़ा घेरा नहीं बनाया है, ये मेरा तीसरा राउंड है। इसके बाद एक राउंड और लेके मैं घेरा बंद करूँगी। आप
आपको जितना भी बड़ा घेरा बनाना है आप उतना बड़ा घेरा बना के अपना ड्रेस कंप्लीट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके बड़े लड्डू गोपाल जी हैं तो आप बड़ा घेरा बनाइए, आप चाहें तो छोटा घेरा भी बना सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो आप वैसा बना सकते हैं। बस आपको यही राउंड बार बार रिपीट करते जाना है और आपका घेरा एकदम बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं फोर्थ राउंड ही बनाऊंगी इस ड्रेस में, तो आपको जितना भी बनाना है बना सकते हैं अपने हिसाब से। वैसे इतने बड़े लड्डू गोपाल के लिए इतना घेरा काफ़ी है, तो मैं आपको फटाफट बना के दिखा देती हूँ। हमें और कुछ नहीं करना, बस यही रिपीट करते जाना है, तो मैं कर लेती हूँ, फिर आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कि ये ड्रेस कैसे दिखती है। ठीक है, देखिए 3 राउंड हो गए हैं, अब ये 4th राउंड, ये भी फटाफट से मैं कंप्लीट कर देती हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी इसलिए मैं पूरा नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि और कुछ हमें नहीं करना है, बस यही रिपीट करते जाना है और हमारा घेरा तैयार हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे मैं कंप्लीट करने के बाद इसको सिंगल स्टिच से बंद कर दूंगी और हमारा घेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसको सिंगल स्टिच से बंद कर देंगे, हमारा ड्रेस कंप्लीट हो चुका है। देखिए को धागे को यहाँ से काट देंगे, ये देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है, पूरा फाइनल लुक इसका ऐसा आया है, बहुत ही सुंदर ड्रेस बना है, कुछ भी नहीं है, देखिए सिंपल सा और कितना प्यारा ड्रेस बनकर तैयार हो गया है। इसमें आप चाहें तो नेक पे ऐसे आउटलाइन कर दीजिए, अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, कि आप पे डिपेंड करता है कि आपको करना है या नहीं करना है। ये देखिए इसका फाइनल लुक। Thank you, friends.